काफ़ी अच्छे लुक्स में यहाँ पे बाइक आपको मिल जाती है, स्पोर्टी डिज़ाइन में शार्प लुक आपको मिलता है, एग्रेसिव डिज़ाइन में बाइक आती है और इस कलर में बाइक काफ़ी प्रीमियम लग रही है। आप देख पा रहे होंगे सीट हाइट का आपको आइडिया लग रहा होगा, मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 5 इंच के अप्रॉक्स में है, तो आप देख पा रहे होंगे मेरा पैर कैसा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं आप हमारे सामने प्रेजेंट ऑल न्यू बजाज की पल्सर NS125 का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल 2023 वाला वेरियंट, जो कि यहाँ पे फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे अपडेट्स के साथ आ चुका है। आपको फ्रेंड्स अगर हम अपडेट्स की बात करते हैं तो ये जो बाइक है अब यहाँ पे FI के साथ आ रही है, आप देख पा रहे होंगे फ्यूल इंजेक्शन की आपको बैजिंग मिल रही है और फ्रेंड्स यहाँ पे कंपनी ने इस बाइक को भी अपडेट कर दिया है और काफ़ी अच्छे बाइक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लुक्स में आ रही है। बर्न रेड कलर है फ्रेंड्स ये, यहाँ पे आपको मैट रेड कलर में देखने को मिलता है। अगर हम ऑन रोड प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये जो बाइक है ऑन रोड जा रही है 1,30,000 रुपये के अप्रॉक्स में। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं NKD बजाज धनबाद में, तो अगर आप धनबाद एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप शोरूम में विजिट कर सकते हैं, ये कलर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और कलर ऑप्शन की हम बात करते हैं तो आपको ब्लू कलर मिल जाएगा ग्लॉसी में और ग्रे कलर आपको मिल जाएगा ग्लॉसी में, तो तीन कलर ऑप्शन में बाइक अभी आई हुई है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे बाइक के ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं इस वीडियो की लाइक एम टारगेट की, तो 3000 लाइक एम का जो है वो टारगेट हम रखते हैं। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर से करते जाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 5 लाख सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है वो जल्दी से अचीव करना है, कुछ सब्सक्राइबर्स ही बचे हुए हैं। तो सबसे पहले बाइक का फ्रंट हेड देख लें, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, मस्कुलर लुक्स में आपको मिल जाती है। 125 cc सेगमेंट में अगर आप देखते हैं तो फ्रेंड्स एक यहाँ पे आपको एग्रेसिव लुक मिल जाता है, यहाँ पे लाइट जो है वो आपको बल्ब में मिल जाता है, यहाँ पे कंपनी आपको पायलट लैंप्स भी बल्ब में प्रोवाइड करती है और इंडिकेटर्स आप देख पा रहे होंगे आपको बल्ब में मिल रहा है जो कि सेमी फ्लेक्सिबल डिज़ाइन में है। यहाँ पे आपको न्यू ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है रेड कलर से और यहाँ पे एक वाइजर आपको दिख रहा होगा, बजाज का लोगो कंपनी यहाँ प्रोवाइड करती है और नंबर प्लेट लगाने का स्पेस यहाँ दे रखा है। फ्रंट का फेंडर पे आपको मिल जाता है ग्राफिक्स वर्क और अगर आप यहाँ पे देखते हैं टायर प्रोफाइल को तो आपको 80/100 का टायर मिलता है, 17 इंच के अलॉय व्हील पर माउंट है और यूरो ग्रिप के कंपनी आपको टायर्स प्रोवाइड कर रही है। अगर आप फ्रंट में यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखते हैं तो 240 mm का कंपनी डिस्क ब्रेक प्रोवाइड करती है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स आपको दिखेगा और ये टेलीस्कोपिक फोक्स के ऊपर माउंट है, तो यहाँ पे सस्पेंशन जो है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। 125 की आपको यहाँ पे बैजिंग जो है वो दिख जाएगी। बाकी यहाँ न्यू ग्राफिक्स आपको मिल रहा है, यहाँ पे पल्सर का लोगो आपको दिखेगा 3D में और नीचे में फ्रेंड्स आपको मिल जाता है यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन की बैजिंग। तो अब बाइक जो है वो FI के साथ आ रही है। इंजन यहाँ पे आपको सेम मिलता है, कंपनी ने किक नहीं रिमूव किया है, बस बाइक का यहाँ पे इंजन में चेंज ये आया है कि ये जो है अब OBD2 नॉर्म्स के साथ आ रही है, 20% इथेनॉल को ये बाइक अब सपोर्ट करेगी और बाइक जो है वो FI हो चुकी है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह सब सेम है, यहाँ पे उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आया है। यहाँ पे आपको इंजन काउल मिल जाता है, इसमें भी ग्राफिक्स वर्क आपको दिखेगा रेड और वाइट कलर में, रियर का ब्रेक यहाँ पे है और चैसी आपको मिलता है यहाँ पे फ्रेंड्स मैट ग्रे कलर में, सेम आपको एलॉय व्हील्स भी मिल जाता है सेम यहाँ पे मैट ग्रे कलर में, जिससे कि एक प्रीमियम लुक यहाँ पे आता है। बाकी अगर यहाँ आप देखते हैं तो मैश टाइप का डिज़ाइन दिया गया है सेंटर के पैनल पे, स्पोर्टी लुक ये प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स। और रियर में आपको मिलता है यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन जो कि गैस चार्ज्ड है, यहाँ पे नाइट्रो गैस चार्ज आपको मिल जाता है मोनोशॉक सस्पेंशन। अगर आप इस साइड से देखते हैं तो यहाँ पे आपको पिलियन का जो है वो फ्रेंड्स फुटरेस्ट मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिलता है स्प्लिट में टायर हगर और टायर का जो प्रोफाइल है रियर का वो है यहाँ पे 190/17 का, 190/17 का कंपनी टायर प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे रिम टेप्स आपको दिखेगा रेड कलर में और ये रहा फ्रेंड्स प्रीमियम डिज़ाइन का एलॉय व्हील्स, टायर अगर आपको हमने दिखा दिया है ये फ्रेंड्स इसका यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ ओवरऑल में डिज़ाइन। ग्राफिक्स आप यहाँ से देख सकते हैं रेड एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में आपको मिल रहा है, NS125 की आपको बैजिंग मिल रही है और यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप इसके इंडिकेटर्स को देखते हैं तो वो भी आपको बल्ब में मिलता है। बाकी रियर से टेल पोर्शन की बात करते हैं तो टेल्ट आईडी यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ नंबर प्लेट लगाने का स्पेस है, यहाँ रिफ्लेक्टर्स आपको मिलता है और यहाँ पे भी आपको ग्राफिक्स वर्क जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे ग्रैब रेल्स आप देख पा रहे होंगे स्प्लिट में आपको कंपनी प्रोवाइड करती है और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मिल जाता है स्प्लिट में इसका सीट, जिसमें कि आपको यहाँ डिजाइनिंग वर्क देखने को मिलेगा। तो बाइक नो डाउट यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे आपको टैंक पैड लगा हुआ मिल जाता है और यहाँ पे पल्सर 125 की आपको बैजिंग मिलेगी। टैंक ऊपर से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मस्कुलर है और कुछ ऐसा यहाँ पे आपको लुक्स जो है वो मिल जाता है। बाकी अगर इस साइड से आप देखते हैं तो यहाँ पे साड़ी गार्ड जो है वो लगा हुआ है, यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्रेंड्स इसका चेन जो कि ओपन चेन सिस्टम में है, यहाँ पे आपको मिलता है इसका फुटरेस्ट, 5-स्पीड गियर बॉक्स सेटअप के साथ ये बाइक आ रही है, 1 डाउन 4 अप सेम आपको मिल जाता है 5-स्पीड गियर बॉक्स सेटअप के साथ, ये यहाँ रहा फ्रेंड्स इसका गियर्स। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके लुक्स का तो लुक्स का आप आइडिया ले सकते हैं, मीटर आपको हम दिखा देते हैं, मीटर यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एनालॉग प्लस डिजिटल में मिलता है सेम डिज़ाइन में, यहाँ पे आपको मिलता है इंजन किल स्विच, नीचे में मिलता है इलेक्ट्रिक स्टार्ट। इस साइड से बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम इंडिकेटर्स और यहाँ पे पास हॉर्न, तो कुछ ऐसा सेटअप यहाँ मिलता है, सारी बैकलिट है और बाकी क्लिप ऑन में हैंडल बार्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो अभी फ्रेंड्स आपको एक बार बैठ करके हम लुक्स दिखाते हैं बाइक का,
ताकि आपको अच्छे से आइडिया लग जाए। मीटर वगैरह में कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है, सेम मीटर कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। हमने बैटरी कनेक्शन करके देख लिया है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे की इसका अवेलेबल नहीं है। वो फ्रेंड्स इसका जो मीटर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे, फिलहाल आप लुक्स का जो है वो आइडिया ले लीजिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छे लुक्स में यहाँ पे बाइक आपको मिल जाती है, स्पोर्टी डिज़ाइन में शार्प लुक आपको मिलता है, एग्रेसिव डिज़ाइन में बाइक आती है और इस कलर में बाइक काफ़ी प्रीमियम लग रही है। आप देख पा रहे होंगे सीट हाइट का आपको आइडिया लग रहा होगा, मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 5 इंच के अप्रॉक्स में है, तो आप देख पा रहे होंगे मेरा पैर कैसा आ रहा है। तो ये था एक यहाँ पर फ्रेंड्स कंप्लीट ओवरव्यू ऑल न्यू बजाज की पल्सर NS125 के न्यू मॉडल का। बाइक आपको कैसी लगी है वो आप हमें कमेंट करके बता दें। और अगर हम बात करते हैं बाइक के फाइनेंस के बारे में, तो फाइनेंस का जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है, आप इजीली जो है बाइक का फाइनेंस करवा पाएंगे। मतलब अगर आप 40 to 50 thousand का डाउन पेमेंट करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स, आप इजीली बाइक को फाइनेंस करवा सकते हैं। माइलेज की बात करते हैं तो लगभग फ्रेंड्स इस बाइक का जो माइलेज है वो आपको यहाँ पे 55 के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उससे वो भी आपको मिल सकता है। बाकी जल्दी फ्रेंड्स इसका माइलेज टेस्ट हम करने वाले हैं, अगर आप जल्दी कमेंट करेंगे तो आपका जो माइलेज टेस्ट का वीडियो है वो हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए। तो आप बताएं कि आपको माइलेज टेस्ट का वीडियो चाहिए या नहीं न्यू FI मॉडल का। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में बस यही था, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, थैंक यू फ्रेंड्स।